अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मां है शेफ फैसल। तव्हां ॾिसो पिया किचन विद फैसल। तमाम बेहतरीन प्रोग्राम धरती टीवी ते तव्हांजे लाइ खणी आया आहियूं। तमामु बहितरीन खाधा जेको तव्हांजी फरमाइशुनि जे हिसाब सां, मौसम जे हिसाब सां ऐं तव्हांजे मूड जे हिसाब सां ठाहींदा अचूं पिया ऐं काफ़ी सारी रेसिपीज़ सां ट्राई बि कयूं, उन जो फीडबैक बि ॾियो पिया। अॼु जेका असां रेसिपी ठाहियूं पिया उहो बि तमामु बहितरीन ठहे पई। पालक चिकन या पालक गोश बि चई सघो था। पालक गोश ठाहियूं पिया असां मुर्गी सां गॾु, बीफ में ठाहियो, बकरे जे गोश में ठाहियो, उहो तव्हांजी मर्ज़ी जीअं बि ठाहे सघो था। तो यहां पे हम यूज़ कर रहे हैं जो जो मसाले वो मलका फूड के। अच्छा, अधु किलो खां टे पा मुर्गी हूंदी ऐं पालक जेको हिन में कंदासीं टे पा खां हिकु किलो जेतिरी, ठीकु आहे। अगरि अधु किलो मुर्गी इस्तेमालु कयो पिया त टे पा पालक खणिजो, ऐं अगरि तव्हां मुर्गी हिकु किलो इस्तेमालु कयो पिया त ॾेढु किलो पालक हुजणु खपे, छो की पालक जी क्वांटिटी बॉयल थियण खां पोइ घटि थी वेंदी आहे। पालक की क्वांटिटी बॉयल होने से कम हो जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? हम बना रहे हैं पालक गोश्त, ठीक है। पालक गोश्त बनाने के लिए हमने सबसे पहले चूल्हा ऑन करना है और यहाँ पे हमने लेना है पतीला। पतीले में हमने क्या डालना है? कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हम इसमें कितना यूज़ करेंगे? हाफ कप, ठीक है। हाफ कप कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे। हाफ कप कुकिंग ऑयल मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। आप अपने अंदाजे से जैसे ऑयल का इस्तेमाल करते हैं कम ज़्यादा वो कर सकती हैं, लेकिन हाफ कप काफ़ी होता है। बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा घी भी नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस करके हमेशा यूज़ किया करें। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऑयल गर्म होगा तो इसमें हमने डाल देना एक बड़ा प्याज या दो मीडियम साइज़ के प्याज, बारीक बारीक हाफ स्लाइस करके बीच से काट के बारीक बारीक कटिंग करने, ठीक है। एक वडी गंढ बसर जी खणंदो ऐं इनखे बारीक कटिंग कंदो, ठीक है। बारीक कटिंग करे हीअं विझी छॾंदो जीअं असां दाग ठाहींदा आहियूं बसर जो, या ॿ नंढियूं दरमियाने साइज़ जूं हुजनि, हिकु कप खां मथे हुजे, हिकु प्याली जेतिरो बसर हुजणु खपे। एक प्याली जितना प्याज होना चाहिए, थोड़ा ऑयल मुझे कम लग रहा तो एक दो टेबल स्पून बढ़ा रहा हूँ। हाफ कप हमने लिया कुकिंग ऑयल। ऑयल जब यहाँ पे गर्म हुआ तो इसमें हमने डाल देना है यहाँ पे क्या, प्याज। प्याज को हमने करना है गोल्डन फ्राई, ठीक है। प्याज को हमने करना है गोल्डन फ्राई। जब प्याज गोल्डन फ्राई होने लगेगा तो इसमें हमने डाल देना है साबित गर्म मसाला। साबित गर्म मसाले में हमारे पास क्या क्या है ये मैं आपको नोट करा देता हूँ। साबित गर्म मसाला यहाँ पे हमने लेना है, इसमें जाएगा एक अदद तेज़पत्ता, ठीक है, एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, दालचीनी की एक बड़ी स्टिक, ये टूटी हुई है तो हम दो डाल रहे हैं, जीरा एक चाय का चम्मच, लौंग चार से पाँच, साबित काली मिर्च आप डाल देंगे 10 से 12 अदद, और एक चाय का चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना ज़रूर डाला करें, रखें लेके जब आप राशन लेके आती हैं तो मेथी दाना, कश्मीरी लाल मिर्च, अजवाइन, ये चीज़ें आपके घर में मौजूद होनी चाहिए क्योंकि ये निज़ाम में हज़म को भी वो करती हैं और हाजमा भी करती हैं। अजवाइन ज़रूर डाला करें थोड़ी सी, ठीक है, और मेथी दाने से फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो तेज़पत्ता एक जाएगा, बड़ी इलायची एक जाएगी, छोटी इलायची दो जाएगी, दालचीनी की एक बड़ी स्टिक या दो, मेरे पास दो हैं टूटी हुई थी तो दो डाल रहा हूँ छोटी, जीरा एक चाय का चम्मच, लौंग आप डालेंगी 5 से 6 अदद, साबित काली मिर्च आप 10 से 12, और मेथी दाना एक चाय का चम्मच, थोड़ा छोटा वाला एक चाय का चम्मच। अगर बड़ा टी स्पून है ना मीठे खाने वाला, इस तरह का ना हो, छोटा टी स्पून जो होता है उस तरह आपने डालना है। अब जब प्याज का कलर चेंज होने लगा है तो मैं इसमें डाल दूंगा साबित गरम मसाला सारा, ठीक है। साबित गरम मसाला डाल के जब तक हमारा प्याज फ्राई होगा, अच्छा आजकल प्याज जो है इसमें पानी बहुत होता है, कभी वाइट प्याज आ रहा है कभी रेड वाला प्याज आ रहा है। जब लाल वाला प्याज आ रहा होता है तो उसमें पानी ज़्यादा होता है और जो वाइट वाला प्याज होता है वो जल्दी फ्राई हो जाता है। और अगर आपका प्याज टाइम ले रहा है फ्राई होने में थोड़ा, तो आपने क्या करना है, नमक लेना है हाफ टी स्पून से भी कम, इस तरह आपने प्याज में डाल देना है। ये छोटी सी टिप है जो मैं आपको बता रहा हूँ नमक की, तो ये आपने थोड़ा डाल देना है। इससे क्या होता है, एक तो प्याज का पानी जल्दी खुश्क हो जाता है और प्याज का कलर भी जल्दी चेंज होना शुरू। जब प्याज ब्राउन हो जाए आपने थोड़ा सा नमक डाल दिया। अब हम इसमें क्या डालने वाले हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया, और इसी के साथ पीसी हुई हरी मिर्च डाल लो। आपने अदरक लहसुन के साथ 1 अदद हरा मिर्च पीस लेना, ये 1 चाय का चम्मच बन जाएगा हरा मिर्च, 1 चाय जो चम्मचों सावा मिर्च जो पेस्ट, या सावा मिर्च तव्हां वटि जीअं पीठल हुजनि त उहो बि छॾिजो 1 चाय जो चम्मचो, न त छा कंदो गॾु बारीक उखरी मोरी में कुटे वठिजो अदरक थूम जे पेस्ट सां गॾु, ठीकु आहे। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ आपने इसमें हरी मिर्च भी पीस ली और इसका भगार बना। इसके बाद हमने इसमें डाल देना है चिकन। चिकन हमारे पास कितना है, ये 3 पाव चिकन है, ठीक है, नॉर्मल कटिंग की हुई है, 3 पाव आपने चिकन डाल देनी, आधा किलो भी कर सकती हैं और 3 पाव भी कर सकती हैं। चिकन डालने के बाद हमने चिकन को फ्राई करना है थोड़ी देर तक ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए। मुर्गी जो कलर चंगी तरह असांखे चेंज करना है, चिकन का कलर अच्छा सा चेंज हो जाए। चिकन का जब कलर चेंज होगा तो फिर हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। कुटियल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चम्मचो, पीठल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चम्मचो, हेड विझंदो 1 चाय जो चम्मचो, लूणु विझंदो 1 चाय जो चम्मचो, जीरो कुटियल या पाउडर विझंदो 1.5 चाय जो चम्मचो, कश्मीरी गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चम्मचो, धाणा पीठल 2 खां 3 चाय जा चमचा,
कुटियल गाढ़ा मिर्च हेड पीठल गाढ़ा मिर्च लूण एक एक चाय जो चमचो जीरे जो पाउडर कुटे विझंदो डेढ़ चाय जो चमचो कश्मीरी गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो भरे विझंदो इनका कलर सुठो अचे तो भाजी जो ना है तंजे बगैर भी ठही वेंदी और इनसा गड दाणा पीठल विझंदो ब खां टे चाय जा चमचा भरे ठीक है। जब चिकन आप भुनाई करेंगी चिकन का कलर चेंज होना चाहिए ऑयल में अच्छी तरह कि जो चिकन डाली थी उसको भूनता रहा ताकि उसका कच्चापन खत्म हो चिकन का जो अपना पानी निकलेगा वो भी ड्राई हो जाएगा जब इसका ऑयल निकल के आएगा ठीक है। अभी मसाले डाल दिए मैंने प्याज है तो प्याज पानी का छींटा देने से नरम हो गया है तो ये देखें इसका कलर अब बहुत अच्छा आने लगा है सालन का ठीक है। अभी मसालों से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अब इसकी हम करेंगे भुनाई 2 से 3 मिनट इसको इसी तरह भूनना है। चिकन का कुकिंग टाइम जो होता है वो मैंने आपको हमेशा बताया है कि 25 मिनट होता है 25 से 30 मिनट क्योंकि हम 30 मिनट से ऊपर जाते हैं जो चिकन जो होती है ना वो हड्डी से अलग होना शुरू जाती है तो उसका शेप ख़राब हो जाता है लुक ख़राब हो जाता है बोटियाँ अलग हो रही होती हैं हड्डियाँ अलग हो रही होती टूटना शुरू हो जाती बहुत ख्याल से और बहुत अच्छे दिल से आप बनाए ना खाना तो बहुत अच्छा बनता है। अगर जान छुड़ाने के लिए आप खाना जल्दी जल्दी बनाएंगे कि नहीं बस जान छुड़ानी है तो कभी भी खाने में टेस्ट नहीं आता हमेशा दिल से बनाया करें खाने। अच्छा यहाँ पे ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है ऑयल हाँ अलग थे शुरू थी तो हमें विझंदासी ब अदर टमाटा बारीक कटिंग थियल। जब आप देखेंगी कि ऑयल सेपरेट होने लगा है मसाले की भुनाई हो गई थी और मसाले में हमने पानी का छींटा दिया था तो अब 2 अदर टमाटर ऑमलेट की तरह चॉप करके डालेंगे। जैसे हम ऑमलेट के लिए बारीक कटिंग करते हैं टमाटर अगर आपका सख्त है आजकल जिस तरह डिफरेंट किस्म के टमाटर आ रहे थे अगर टमाटर आपको सख्त मिल रहे हैं नहीं गलते तो आप छिलका हटा दिया करें टमाटरों का। बाज़ दफ़ा देसी टमाटर बहुत अच्छे आ रहे होते हैं बाज़ दफ़ा क्या होता है ईरानी टमाटर आते हैं चाइना के बीज वाले आ रहे होते हैं तो उन टमाटरों में एक तो टेस्ट नहीं होता रस नहीं होता वो सख्त होते हैं सालन में नज़र आ रहे होते हैं तो बेहतर है या तो ग्राइंड करके डालें नहीं तो छिलका बारीक बारीक उतार के चॉप करके डालें तो वो मैश हो जाता है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा पाव या आधा कप से थोड़ी ऊपर दही अगर टेबल स्पून ज़्यादा दही पड़ी है टेबल स्पून के हिसाब से डालनी है तो 6 खाने के चम्मच डालिएगा ठीक है। अगर चमचे के हिसाब से विझो पे दही वधीक पई है अंदाजो न पे थे तो में 6 खाने जा चमचा जिन हिसाब से चावर खाइंदा आयो 6 टेबल स्पून वो इतनी तान में दही विझंदो हाँ दही जड़ी इनमें विझी छड़ी है तो इतने असं विझंदी इनमें पालक। अच्छा पालक केतरी है 3 पा मुर्गी हुई तो 1 किलो 3 पा का 1 किलो पालक हुई पालक जा पन साफ़ कंदो डंडियों अलग कंदो सफाई से उनके धोईंदो धोने का पो 1 गिलास का भी घट पानी हुए पतीले में विझंदो पालक के कवर कंदो 15 मिंट में पालक गरी वी कलर चेंज थींदो उनका पो जूसर जग में इनके पीसे छजो या घोट मेहनत करनी है तो पो घोटने से उनके घोटे वटो ठीक है। एक कटी छड़ी पालक हाने अब इस पालक को हमने डाल के भूनना इसके अंदर ठीक है। पालक वैसे अभी बॉयल है कोई इतना टाइम नहीं लगेगा पकने में तो इसको आपने तेज़ आंच करके थोड़ी देर 2 मिनट ऐसे भुनाई करनी उसके बाद हम इसको दम पे लगाएंगे कसूरी मेथी डाल के बहुत ज़बरदस्त बनती है पालक चिकन इस तरह बनाएगा आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगी। अब तेज़ आंच करके इसकी भुनाई करेंगे उसका जो पानी है एक्सेस वो जो हमने डाला हुआ है या पालक में जो थोड़ा पानी था वो हमने करना है ड्राई बल्स बन रहे हैं इसके पानी खुश्क होने लगेगा इसको हम कर देंगे कवर ठीक है। अब इसको भूल जाते हैं हम कितनी देर के लिए इसको हम भूल जाते हैं 15 मिनट के लिए 12 मिनट काफ़ी हैं 12 मिनट में ये हल्की आंच पे पकती रहेगी। दूसरी तरफ हम इसको शिफ्ट करते हैं एक दफ़ा देख लेते हैं पालक गोश्त हमारा ज़बरदस्त तैयार हो रहा है इसमें एक दफ़ा चम्मच चला देंगे एक दफ़ा मैंने चम्मच चला दिया अब इसको पकने देंगे ताकि जो पालक का कच्चापन है ना वो हमने करना है ख़त्म हमेशा। और जब तेज़पत्ता मैं हमेशा कहता हूँ जब इसमें आता है ना तो तेज़पत्ता जब आप डिश आउट कर रही होती उस वक्त आप तेज़पत्ता निकाल लिया करें ठीक है। ये देखिए पालक गोश्त हमारा नान के साथ खाएं चपाती के साथ खाएं चावल सफ़ेद हो उसके साथ खाएं बहुत ही ज़बरदस्त लगता है बिल्कुल डिफरेंट और मज़ेदार सी रेसिपी है पालक गोश्त की मैंने चिकन के साथ बनाया आप बीफ के साथ बनाएंगी मटन के साथ बनाएंगी बहुत मज़े का बनेगा कीमे के साथ भी बना सकती हैं हाथ का कुटा हुआ कीमा ले लें बीफ का ठीक है और उसके साथ आप बनाएं तो तब भी सेम प्रोसेस होगा कीमो पालक अगर ठाइंदो ना कीमो पालक भी सेम तरीके से ठाइंदो सागो तरीको कोन में चेंजिंग ना है कीमो बारीक ना विझिजो हथ जो कुटियल कीमो इस्तेमाल कजो ठीक है कुटराए खणी जो जो हूँ ना मशीन वालों कीमो उन में ना ठाइजो उन में मज़ो ना इंदो मशीन वाले कीमे में नहीं बनाएगा उसमें आपको ना मज़ा नहीं आएगा फिर बिल्कुल कीमा इनके अंदर मैश हो जाएगा तो जो पालक कीमा बनाए ना तो वो फिर कीमा आपने हाथ का कुटा हुआ मोटा कीमा यूज़ करना ठीक है। ये हो गया हमारा डाल नहीं रहा हूँ
आप लेमन जूस आखिर में डाल सकते हैं। हरा धनिया बारीक कटिंग किया हुआ, पतीले में नहीं डाला मैंने क्योंकि मैंने डिश आउट करके दिखाना था। आपने क्या करना है, हरा धनिया पतीले में आखिर में जब चूल्हा बंद कर दें तो हरा धनिया 3-4 खाने के चम्मच ऊपर से फैला देंगी। उससे क्या होगा कि वो जब स्टीम पर रहेगा ना तो उसमें हरे धनिया की बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। तव्हांखे पसंदि ईंदियूं सुबुह जो 7 बजे सुभाणे रिपीट हलंदो। खमीस जुमो 4 खां 5 किचन विद फैसल धरती टीवी ते ॾिसंदा रहो। ॾाढो ज़बरदस्त तव्हांजी फरमाइशुनि जे हिसाब सां मौसम जे हिसाब सां खाधा ठाहियूं पिया। सुबुह जो 7 बजे जुमो छंछर ही रिपीट थींदो आहे। धरती टीवी इंटरटेनमेंट ते वेंदो, सर्च कंदो, सब्सक्राइब करे छॾिजो चैनल खे। हुते किचन विद फैसल तमामु रेसिपीज़ अपलोड थींदियूं वेंदियूं आहिनि, ठीकु आहे। बाक़ी का शइ पुछणी हुजे त तव्हां मुंहिंजे पेज ते मैसेज करे सघो था। इहे जो रेसिपी है कल सुबह 7 बजे रिपीट चलेगी। जुमेरात जुम्मा 4 से 5 मैं आपके साथ होता हूँ। जुमेरात जुम्मा हर वीक 2 दिन, ठीक है। 4 से 5 किचन विद फैसल धरती टीवी पे सर्च करेंगे मिल जाएगा। उसके अलावा सुबह 7 बजे जुम्मा हफ्ता रिपीट चलता है। यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें धरती टीवी इंटरटेनमेंट किचन विद फैसल, आपको वहाँ पे तमाम प्रोग्राम्स अपलोड में मिल जाएंगे। अगर लाइट का इशू है तो वहाँ पे मिल जाते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी, तब तक दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह।